Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच के बारे में। दोस्तों देखो, आज सिर्फ आज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अपने वो ही पुराने वाले जो वीडियोज़ है ना, वो वापस बनना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आज की बात है। आज मोस्ट प्रोबेबली मैं घर जा रहा हूँ, तो उसके बाद वही काम है, स्टूडियो मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो वापस अपने पुराने वाले वीडियोज़ शूट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यार ऐसा तो है ही नहीं ना कि इन वीडियो में भी मैं आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ रहा हूँ। इन वीडियो में भी मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, सारी जो आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है वो मैं आपको इन वीडियोस में भी करवा ही रहा हूँ। खैर देखो, बात करते हैं दोस्तों इस मैच के टाइम और वेन्यू के बारे में। तो यार ये वाला जो मैच है ये एक डे मैच है, दोपहर का मैच है। ये वाला जो मैच है ये 3:30 बजे खेला जाएगा दोपहर के टाइम पे, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस मैच के वेन्यू के बारे में, तो यार ये वाला जो मैच है ये खेला जाएगा शेख जैद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर। अब यार इस मैदान में मैच खेले हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि शायद 23 तारीख को खेला गया था लास्ट मैच और आज हो गई है 27, तो मतलब 3-4 दिन हो गए इस मैदान में एक भी मैच खेले हुए। तो पिच के ऊपर भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ कोर्स पड़ा होगा, उसके अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट देखो यहाँ पर कि शेख जैद स्टेडियम में जो स्कोर होता है वो रिलेटिवली थोड़ा लो बनता है, थोड़ा मतलब हाई स्कोरिंग मैच अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता, ये अपने सबको पता है, हमने आईपीएल भी देखा है, हमने वर्ल्ड कप भी देखा है, यहाँ पर बैटिंग करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर बॉलिंग में भी मेरे को लगता है कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ की बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो वही बात है कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर नहीं होता है। और बात रही मैच की, तो यार ये दिन वाला मैच है, आफ्टरनून का मैच है, इसलिए यहाँ पर ड्यू भी कोई फैक्टर प्ले नहीं करेगी। किसी भी बॉलर्स के लिए ड्यू का तो कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा दोस्तों, आगे इस वीडियो में देखो हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, टीम रिकॉर्ड के बारे में, टीम न्यूज़ के बारे में, प्लेयर रिकॉर्ड के बारे में। और दोस्तों आगे इसी वीडियो में मैं आपको अपने इस मैच से रिलेटेड 2-3 डेमो टीम भी बना के दिखाऊंगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं डेमो टीम आपको सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनल टीम मैं आपको अभी इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और टॉस जब तक नहीं हो जाता तब तक अपने पास मैच की तरफ से और टीम की तरफ से नई नई अपडेट आती रहती हैं, नई नई न्यूज़ आती रहती हैं, जिनकी वजह से अपनी जो टीम है उनमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अपनी जो फाइनल टीम होती है, जो अपडेटेड टीम होती है, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है अपने टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, जिसकी जो फ्री ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और डेली हमारी टीम्स का, गिवअवेज का, ऑफर्स का और भी काफ़ी शानदार चीज़ों का एकदम फ्री में फ़ायदा उठाते आ रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आपको भी दोस्तों ऐसे ही फ्री में फ़ायदा उठाना है और अपना प्रॉफिट कंटिन्यू रखना है तो देखो आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। वीडियो ख़त्म होते ही सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आके जुड़ जाना है। बात करते हैं दोस्तों इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यार पिच रिपोर्ट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि जो पिच है वो बैलेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जो है बॉलर्स को आपको देखने को मिल जाएगा। अब यार बड़ी बाउंड्री है तो एक तरीके से वैसे अपने आप ही कह सकते हैं कि बॉलर्स को सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंस मान लेता हूँ, बैट्समैन को भी मिलेगा, बॉलर्स को भी मिलेगा, लेकिन बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो टीम्स को देखते हुए मेरे को लगता है कि 140 के समथिंग अगर यहाँ पर कोई भी टीम स्कोर कर देती है तो वो मोर देन इनाफ है, 140 के समथिंग स्कोर बना दिया मतलब कि जीतने के चांसेस आपके बन जाते हैं। इस सीज़न में दोस्तों इस मैदान में ऑलरेडी 5 मैच खेले जा चुके हैं। वर्ल्ड कप के सीज़न की बात करूँ, 5 मैच में से एक तो सुपर 12 का खेला गया था और शायद पहले भी खेले गए थे ना उनके, क्या बोलते हैं, जो क्वालिफाइंग मैच थे ना उनके खेले गए थे। 5 में से दोस्तों 3 मैच जो हैं वो लो स्कोरिंग रहे थे और 2 मैच हाई स्कोरिंग रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ हाई स्कोरिंग भी बन सकता है, लो स्कोरिंग भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो टीम है वो कैसी बैटिंग करती है। अगर स्टार्टिंग में अर्ली विकेट दे दिया तो लो स्कोरिंग मैच हो गया, अगर स्टार्टिंग में जम गए, पावर प्ले ठीक से निकाल दिया तो मतलब हाई स्कोरिंग मैच हो गया। अगर दोस्तों बात करूँ टॉस की, तो यार जिस भी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की है उसने 5 में से 4 बार मैच जीता है, तो डेफिनेटली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। यहाँ पर बॉलिंग करो जीतो, यही सीक्रेट है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक टारगेट मैंने आपके लिए 7000 लाइक्स का रखा है, अगर आप कंप्लीट कर दोगे दिल को खुशी होगी, साथ ही साथ आपके लिए बेटर कंटेंट और बेटर टीम लाने के लिए मेरे को हेल्प मिलेगी। तो यार अगर आपने भाई के वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो देखो आपके ही भाई का वीडियो है,
फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, 7000 लाइक्स का लाइक टारगेट है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? आपके लिए फ्री वीडियोस, फ्री गिव अवेज, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, आपको उनका फ़ायदा उठाना है, ठीक है? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जितनी भी अपडेट मैं आपके लिए पोस्ट करूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सही सलामत पहुँचते रहे। और जो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आकर ज्वाइन हो जाना है। बात करते हैं दोस्तों हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखो, इंग्लैंड हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दोनों ने इस सीज़न के टोटल एक एक मैच ऑलरेडी खेल लिए हैं, ठीक है। अब बात यह है, फ़र्क ये है कि इंग्लैंड ने जो मैच खेला था वो इंग्लैंड जीत गई थी, बांग्लादेश ने जो खेला था वो बांग्लादेश हार गई थी। अब अगर बांग्लादेश ये वाला मैच भी हार जाती है, इंग्लैंड के खिलाफ जो ये वाला मैच है अगर हार जाती है, तो इनके क्वालिफाई होने के चांसेस जो हैं वो एक तरीके से जीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए जो मुकाबला है वो आसान नहीं होने वाला आगे। तो बांग्लादेश को इस वाली जीत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, T20 इंटरनेशनल आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में कभी खेला ही नहीं गया है, तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। अब T20 इंटरनेशनल नहीं खेला गया है, इसका मतलब है कि अपने पास प्लेयर बैटल भी नहीं है। अपने पास इन दोनों टीम्स का बीच में जो मैं बताता हूँ ना, प्लेयर रिकॉर्ड जो एक टीम के अगेंस्ट रहता है वो भी नहीं है, और उन सब की अपने को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको इस मैच में मैं आसानी से जिताऊंगा, बस इस वीडियो का एक बार आप आगे तक पूरा देखते जाओ। नंबर तीन पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड ने जो मैच खेला था वो खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और उसमें आराम से जीत गई थी वेस्ट इंडीज़ को, उन्होंने मात्र 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और उस मैच को आराम से इंग्लैंड जीत गई थी। वहीं अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो यार बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी थी, बांग्लादेश ने अच्छा खासा स्कोर पुट किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन ख़राब बॉलिंग के कारण वो जो बांग्लादेश से मैच हार गई थी। दोस्तों बात करते हैं देखो हम टीम न्यूज़ के बारे में, तो यार सबसे पहली जो टीम न्यूज़ है वो आ रही है मार्क वुड को लेकर। मार्क वुड ने देखो जो इंग्लैंड का पहला मैच था ना वो मिस किया था, क्योंकि वार्म अप मैच के दौरान मार्क वुड को एक एंकल इंजरी हो गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मार्क वुड को जो इंजरी है ना वो उतनी बड़ी नहीं हुई थी, उतनी खास इंजरी नहीं हुई थी, तो अच्छे खासे चांस है कि मार्क वुड अभी तक रिकवर हो गए होंगे और आपको ये वाला मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक चांस ये भी है कि देखो अभी उतने खास मैच नहीं चल रहे, ठीक है, खास मैच होंगे सेमीफाइनल फाइनल वाले, तो इंग्लैंड की टीम हो सकता है डिसाइड करे कि मार्क वुड को आराम से रेस्ट करने दे, आराम से रिकवर होने दे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैच है उनमें मार्क वुड को बाहर निकाले, ठीक है, तो एक चांस ये भी हो सकता है। दूसरी टीम न्यूज़ की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यार शाकिब अल हसन की न्यूज़ आ जाती है। शाकिब अल हसन का जो बॉलिंग रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के दोनों ओपनर जेसन रॉय और जोस बटलर दोनों के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन है। तो देखो अगर जेसन रॉय और जोस बटलर को फंसाना है तो मेरे को लगता है कि शाकिब अल हसन को बॉलिंग दी जाएगी और शाकिब अल हसन आपको पावर प्ले में एक दो ओवर फेंकते हुए दिख सकते हैं। नंबर तीन और आखिरा जो अपना टीम न्यूज़ है उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो यार शाकिब अल हसन जो काम बांग्लादेश की टीम के लिए कर रहे हैं, मोइन अली वही काम इंग्लैंड की टीम के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पिछले मैच में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो मैच खेला था उसमें काफ़ी गजब की बॉलिंग की थी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट मोइन अली की जो बॉलिंग है वो काफ़ी सही रहती है, और बांग्लादेश के भी जो टॉप ऑर्डर है ना उसमें भी कुछ लेफ्ट हैंडर भरे पड़े हैं, पता कि लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने के लिए मोइन अली को बॉलिंग दी जा सकती है पावर प्ले के अंदर, ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। आगे दोस्तों अगर टीम न्यूज़ में ही आगे बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है लिट्टन दास को लेकर। देखो लिट्टन दास की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उतनी खास अभी नहीं आ रही है, साथ ही साथ पिछले मैच में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कैच भी छोड़े थे जिसकी वजह से लिट्टन दास के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लिट्टन दास को इस मैच से प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है। अगर ड्रॉप कर दिया जाता है तो सोमय सरकार को खिलाया जाएगा, ऑफकोर्स कोई ना कोई तो चाहिए ना खेलने के लिए, तो ये एक चेंज बांग्लादेश की टीम की तरफ से आप देख सकते हो। अब दूसरी जो टीम न्यूज़ है उसमें बांग्लादेश हो सकता है कि जो तीन स्पिनर के साथ खेलती है वो तीनों स्पिनर्स के साथ इस मैच में भी खेलें, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ देखी थी कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जब मैच हो रहा था ना तो इंग्लैंड के जो विकेट है ना वो जल्दी जल्दी गिरे थे जब एकेएल हुसैन बॉलिंग कर रहे थे, और बांग्लादेश की टीम पागल नहीं है, उसे पता है कि एकेएल हुसैन की जैसी बॉलिंग अपने पास भी करने वाले प्लेयर हैं, तो फिर वो फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, बांग्लादेश उन्हीं स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करवा सकती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मोहम्मद सैफुद्दीन जो हैं वो रूल आउट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से एक इंजरी के कारण, और मोहम्मद सैफुद्दीन गए हैं तो किसी न किसी को खिलाना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कि जो तस्कीन अहमद है उनको वापस प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है इस मैच में।
अच्छा दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आगे बताऊंगा उसका यूज़ आप कर सकते हो माई इलेवन सर्कल पर अपनी टीम बनाने के लिए। माई इलेवन सर्कल की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। उस लिंक से जब आप डाउनलोड करोगे माई इलेवन सर्कल को तो आपको मिलेगा 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस, जिसका आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, डिफरेंट डिफरेंट लीग्स ज्वाइन करने में। साथ ही साथ आप जब वहाँ पर फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, जिसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो अपने डिफरेंट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में। साथ ही साथ आपके लिए वहां पर प्ले विथ चैंपियन बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट चलते रहता है, जिसमें अगर आपने एक्सपर्ट को बीट कर दिया तो आपकी जो एंट्री फीस है उसका आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी प्राइस आपको वापस दिया जाता है, और इंडिया जीतेगी तो आपको डबल कैश प्राइज वगैरह, मैंने उन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। माई इलेवन सर्कल की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इन सभी बेनिफिट्स का अगर फ़ायदा उठाना है तो माई इलेवन सर्कल को जरूर से डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं दोस्तों कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार सबसे पहले आ जाते हैं जेसन रॉय। जेसन रॉय जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेल रहे थे तो रवि रोमपोल ने एक गजब की बॉल डाली थी, एक स्लोविश बॉल डाली थी, जिसके कारण जेसन रॉय एक बड़ा स्कोर क्रिएट नहीं कर पाए थे। लेकिन हम सब जानते हैं यार, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जेसन रॉय एक काफ़ी इफेक्टिव बल्लेबाज है, काफ़ी अग्रेसिव बल्लेबाज है। अगर चलने पर आ गया तो सामने वाले बॉलर के छक्के छुड़ा सकता है, तो ध्यान रखें ये कभी भी टिक सकता है। जेसन रॉय को हम अपनी टीम में जरूर रखेंगे। नंबर दो पर आ जाते हैं दोस्तों बांग्लादेश के नाइम शेख, जिन्होंने जो 3 मैच अभी तक खेले हैं इस सीरीज में, 3 में से 2 बार 50 मार चुके हैं। अपनी टीम के सबसे इफेक्टिव बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर को अच्छे से संभालते हैं, तो यार नाइम शेख को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है। मतलब स्ट्राइक रेट इनकी थोड़ी डाउन रहती है मानता हूँ, लेकिन संभल के खेल गए वो ही काफ़ी है, अपने को पॉइंट देख गए वो ही काफ़ी है, ठीक है। नंबर 3 पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोइन अली की, तो यार मोइन अली के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बंदा बॉलिंग तो अच्छी करेगा ही और इस मैच में भी करते हुए दिख सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स हैं बांग्लादेश के टीम में, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए कर सकता है। पिछले मैच में सिमंस को हटाया था, हेटमेयर को उठाया था, 2 बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया था। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बैटिंग के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे, अग्रेसिव बल्लेबाजी करते थे, और उसी चीज़ का उपयोग यहाँ पर भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर डेविड मलान खेलते हैं इस मैच में तब तो नंबर 3 पर नहीं आएंगे, लेकिन अगर डेविड मलान नहीं खेलते हैं इस मैच में तो मोइन अली को नंबर 3 पर भेजा जा सकता है, पावर हिट करने के लिए ऊपर प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों प्लेयर परफॉर्मेंस की यार मैं सोच रहा हूँ आपके साथ बात में जब टीम बनाऊंगा ना तभी कर लूँगा बाकी की, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 देखो। आपको इस मैच की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, मेरे को लगता है कि ये 22 प्लेयर्स आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर इनमें कोई भी चेंज होता है, अगर कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है या फिर कोई भी दूसरा प्लेयर खेलता है, उसके साथ आपको जो है अपनी जो फाइनल टीम अपडेट कर दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, जिसकी ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, ठीक है, आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। फिलहाल हम बात करते हैं अपनी टीम के बारे में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। बात करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, तो देखो आगे इस वीडियो में मैं आपको अपनी टीम तो बना के दिखा दूंगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना के दिखा दूंगा, ट्रंप प्लेयर्स के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में जितनी भी अपनी टीम बनेंगी वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक इस मैच का टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास टीम्स की तरफ से नई नई अपडेट आती रहती हैं, और उन्हीं अपडेट की वजह से अपनी जो टीम है उसमें भी चेंजेज हो सकते हैं। और दोस्तों यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, अपनी टीम में जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो फाइनल टीम है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, जिसकी जो फ्री ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पर 2,14,000 से भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और डेली हमारी टीम्स का फ्री में फ़ायदा उठा के अच्छी खासी विनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको भी दोस्तों ऐसे ही अपना प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर करना है वो भी एकदम फ्री में, साथ ही साथ गिव अवेज और ऑफर्स का भी रेगुलर बेसिस पर फायदा उठाना है, तो देखो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो को खत्म होते ही सबसे पहले आपको हमारा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स खोलना है, अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। दोस्तों बात करते हैं देखो हम अपनी टीम के बारे में, तो यार विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास मुशफ्फकुर रहीम का ऑप्शन है और जोस बटलर का ऑप्शन है, नूरुल हसन भी हैं लेकिन अपनी टीम में कंसीडर तक नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर के दोनों की बात करें, अपनी स्मॉल लीग की टीम में मैं जोस बटलर को तो 100% रखूंगा, इसमें मेरे को डाउट नहीं है। अब मुशफ्फकुर रहीम ने पिछले मैच में काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस की थी, 50 लगाई थी, लेकिन
मैं आपको बता दूं, वो टीम अलग थी और ये टीम इंग्लैंड है, इसके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर। मेरे को नहीं लगता कि मुशफिकुर उतनी बड़ी पारी इस मैच में खेल पाएंगे। अगर आपको सेफ जाना है, आप मुशफिकुर रहीम को अपनी टीम में रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, इसको ड्रॉप कर देना, ठीक है। बाकी इसके बारे में और अपडेट जैसे जैसे अपने पास आती रहेंगी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूँगा। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, तो जोनी बोस्टो को तो अपनी टीम में उठाना ही उठाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डेविड मलान को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल किया था, लेकिन UAE के अंदर इनका जो रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए एक बार के लिए इन्हें ड्रॉप किया। मोहम्मद नाहिम को मैं अपनी टीम में ज़रूर उठाऊंगा, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जेसन रॉय, इनको भी पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन इनको अपनी टीम में मैं ज़रूर पिक करूंगा, इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नीचे से आपके पास लिटन दास का ऑप्शन है और मॉर्गन का ऑप्शन है, अगर आप उठाना चाहो उठा सकते हो, स्मॉल लीग में हम नहीं कंसिडर करेंगे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यार शाकिब अल हसन को तो अपनी टीम में उठाना ही उठाना है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मोहम्मद उल्ला, ये भी एक गजब के जो है प्लेयर हैं, लेकिन बात मेरी बात ध्यान रखो, अगर बॉलिंग करने आएंगे तो मेरे को लगता है ठुकेंगे, ठीक है। बैटिंग करने आएंगे तो थोड़े बहुत रन बना सकते हैं, बस एक नेगेटिव पॉइंट कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, शायद 5 या 6 नंबर पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसी को देखते हुए मैं महमदुल्ला को फिलहाल के लिए अपनी टीम में नहीं रख रहा, ठीक है। मैं रखूँगा मोइन अली को, जो बॉलिंग करेंगे भाई, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ विकेट निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी कर सकते हैं, तो मोइन अली को मैं अपनी टीम में रख लिया, ठीक है। उसके नीचे लियम लिविंगस्टन ऑप्शन है, जो कि आपके इस मैच के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पावर हिटर है, इस मैदान का भी इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अच्छी पारी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए अपनी टीम में नहीं रख रहा। देखो मैं आपको बता दूं कि ये मैं बना रहा हूं सिर्फ एक डेमो टीम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके नीचे दोस्तों मेहदी हसन का ऑप्शन है, जिन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हो, अच्छे बॉलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ कई बार इन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करने भी भेजा जाता है, ठीक है। अगर आप मेहदी हसन को अपनी टीम में नहीं उठाते तो फिर नीचे आपके पास वॉक्स वगैरह ऑप्शन है, फिलहाल के लिए मैं मेहदी हसन के साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, तो मुस्तफ़िज़ रहमान को तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, आदिल रशीद को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है। इन दोनों को रख लिया, और जो लास्ट गेंदबाज है, देखो अपन ने ऑलरेडी 10 प्लेयर अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिए, एक बॉलर अपने को और सेलेक्ट करना है, तो वो बॉलर आप तस्कीन अहमद के साथ जा सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा। मार्कवुड अगर खेलते हैं तो 100% मैं मार्कवुड के साथ जाऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी टीम में टाइमल मिल्स के साथ, आप जा सकते हो क्रिस जॉर्डन के साथ भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने टाइमल मिल्स को ही अपनी टीम में शामिल किया है। और ये वाली अपनी जो टीम है, ये पहली डेमो टीम मैं अपने इस वीडियो के लिए फाइनल कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर्स में, तो यार ज़्यादा चॉइसेज नहीं है। जोस बटलर एक काफ़ी सही चॉइस हो जाते हैं, जेसन रॉय एक अच्छी चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो तो जोनी बेस्टो भी एक ठीक चॉइस है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मत बनाना। शाकिब अल हसन को तो भूलने की बात ही नहीं है, ये बंदा तो हमेशा एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस सही है, ठीक है। सीएस मोली के लिए आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में आप मोइन अली के साथ जा सकते हो, जोनी बेस्टो के साथ जा सकते हो, और किसी के साथ ही मत जाना, ठीक है। ये आपके कुछ ग्रैंड लीग के हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो सिलेक्शन है ना, चॉइसेज हैं, उनमें भी चेंजेज होंगे, वो भी मैं आपको टॉस के टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी चिंता मत करना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।